देखना होगा क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर जितने सारा फ्रेंड रियलमी सी सीरीज मोबाइल यूज करते हो, सी सीरीज की कोई भी डिवाइस यूज करते हो, रियलमी C20, C21 कोई भी डिवाइस यूज करते हो ना, तो गेम खेलने का टाइम हो सकता है गेम बैक हो जा रहा है, कई प्रॉब्लम हो रहा है, गेम स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गाइस इस वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि मैंने इसके पहले भी मैंने सी सीरीज की वीडियो बनाया था, तो बहुत सारा फ्रेंड कमेंट कर रहा है फिर भी और एक वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो फाइनली आप लोगों के सामने और एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं। उसके साथ साथ गाइस आज इस वीडियो के अंदर गाइस बात करने जा रहे हैं वीवो मोबाइल के अंदर। ओके, वीवो मोबाइल के बहुत सारा फ्रेंड का कमेंट आ रहा है कि गेम बैक हो जा रहा है। ओके, तो गाइस आप लोग की कमेंट आएगा तो वीवो मोबाइल के और ज्यादा वीडियो डालने वाला हूं। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट ना करके देख लेते जो कॉल बैक हो जा रहा है, गेम स्पेस वर्क नहीं करते, सबके बारे में बात कर लेते इस वीडियो के अंदर। ओके, तो जितने फ्रेंड गाइस अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नीचे देखो सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाला घंटी बटन प्रेस करके आने वाला टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन अलाउ करके रखना। चलिए गाइस स्टार्ट ना करके देख लेते। तो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले सभी फ्रेंड के पास एक ही रिक्वेस्ट है, जितना सारा फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हो ना गाइस, जो बहुत सारा फ्रेंड ऐसा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक, जो फ्रेंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ना उसके साथ गाइस मैं पर्सनली भी बात करूंगी। ओके, 100% पर्सनली भी बात होगा उसका साथ कोई भी प्रॉब्लम लेकर जो फ्रेंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होगा। ओके, तो गाइस ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करके गाइस यहां पर से देखो हेल्प कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हो, मोबाइल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेकर पर्सनली भी बात कर सकते हो। ओके, तो गाइस चलिए गाइस आज का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जितना सारा फ्रेंड रियलमी सी सीरीज यूज करते हैं, सी सीरीज से कोई भी डिवाइस यूज करते हैं और गेम बैक हो जाता है, गेम स्पेस वर्क नहीं करता है, तो एक बात सजेस्ट करेंगे गाइस जो दिखाने वाला गाइस उस सेम टू सेम अप्लाई करो, 100% वर्क कर जाएगा, जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसका साथ साथ वीवो डिवाइस के बारे में कुछ बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो चलिए गाइस स्टार्ट ना करके देख लेते। तो गाइस यहाँ पर से देखो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, मोबाइल के अंदर से जो गेम स्पेस है गाइस उसको क्या करना है गाइस, नहीं है तो बहुत ही अच्छा है और गाइस है तो अपडेट करना चाहते हो तो गाइस पहले गेम स्पेस को अनइंस्टॉल करो। ओके, यहाँ पर से इनेबल बटन पर क्लिक करके गेम स्पेस को पेस्ट करके रखना, तो यहाँ पर से इनेबल बटन पर क्लिक करके तो आप लोगों सामने से अनइंस्टॉल बटन शो करेगा। तो बहुत सारे डिवाइस के अंदर से गाइस अनइंस्टॉल बटन शो कर रहा है लेकिन दो एक मोबाइल के अंदर अनइंस्टॉल बटन शो नहीं कर रहा, तो जिसका अनइंस्टॉल बटन शो नहीं कर रहा उसका अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर लेना। तो वैसे अभी क्या करना है, देखो टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पर आके जिस डिवाइस के अंदर से गाइस हो सकता है रियलमी सी सीरीज के अंदर से हो सकता है एंड्रॉइड वर्जन 10 चल रहा है कि एंड्रॉइड वर्जन 11 चल रहा है। ओके, तो एंड्रॉइड वर्जन 10 चल रहा है तो गाइस कुछ तरह की गेम स्पेस को मैं सजेस्ट करूंगी कि यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर से देखो गाइस सेटिंग के अंदर आके गाइस यहाँ पर से फाइल को ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर से बहुत सारा गेम स्पेस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से देखो गाइस एंड्रॉइड 10 चल रहा है तो गाइस यहाँ पर से ज़्यादातर गाइस अभी ये एंड्रॉइड 10 के लिए पॉपुलर होगा गाइस 4.0.2 वर्जन, क्योंकि वो मेरा डिवाइस के अंदर से भी और कर रहा है, मेरा अभी भी एंड्रॉइड वर्जन 10 चल रहा है। यहाँ पर से देखो इस जो वर्जन इस वर्जन को यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ 2.0.68 वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके साथ साथ गाइस और एक वर्जन देखने को मिलेगा यहाँ पर से 2.0.60 वर्जन। ओके, यहाँ पर से देखो ये एंड्रॉइड 10 के लिए, लेकिन गाइस एंड्रॉइड 11 है तो गाइस आप लोगों को कौन सी वर्जन यूज़ करना है, यहाँ पर से देखो 4.1.25 ये वर्जन ज़्यादातर पॉपुलर है गाइस, इस वर्जन को यूज़ कर सकते हो, उसके ज़्यादा वर्जन है। यहाँ पर से देखो गाइस सेटिंग के अंदर गाइस ये जो गेम स्पेस इसके अंदर अलग अलग फीचर्स हम लोग को देखने को मिलने वाला है, दो एक अलग अलग फीचर देखने को मिलने वाला है, लेटेस्ट एक गेम स्पेस आने वाला है उसके अंदर गाइस हम लोग को वॉइस चेंजर वर्क कर जाएगा देखने को मिलने वाला है, वो भी रियलमी वाई 3.0 का अपडेट के बाद। ओके, यहाँ पर से गाइस और भी वर्जन है गाइस आप लोगों की मर्जी से कौन सी वर्जन आप लोग यूज करना चाहते हो, एंड्रॉइड 10 के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखा है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक मिल जाएगा आप लोग लिस्ट देख कर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि अलग वर्जन यूज करके ज़्यादा वर्जन यूज करने जाओगे हो सकता है वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सोच समझ के इंस्टॉल करना, तो जो लिस्ट देख रखा है उस लिस्ट देख कर इंस्टॉल करना, मैंने इस वर्जन को इंस्टॉल कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर से गाइस हो जाएगा, जिस डिवाइस के अंदर से इंस्टॉल हो गया सब कुछ कंप्लीट हो गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा, दूसरा पर्सन ट्राई करो। ओके, दूसरा पर्सन ट्राई करो और क्लियर हिस्ट्री मांगे तो क्या मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना, मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाके ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाना, वहाँ पर से ऐप लिस्ट को ऊपर क्लिक करना, ऐप लिस्ट को ऊपर क्लिक करने के साथ साथ आप लोगों को गेम स्पेस को ढूंढ लेना होगा, गेम स्पेस को ऊपर क्लिक करके वहाँ पर से गाइस फोन स्टोरेज को
क्लिक करके स्टोरेज क्लियर डाटा कर लेना। ओके, दो से तीन चार बार क्लियर डाटा कर लेंगे तो 100% कम बन जाएगा। यहाँ पर से देख लीजिए ओपन इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने लेके साथ साथ गैस यहाँ पर से आराम से काम कर जाएगा। ओके, तो आप लोग काम नहीं कर रहा तो गैस देखो यहाँ पर से काम हो गया, तो आराम से वीडियो को फुल्ली वॉच करो, 100% काम कर जाएगा। ओके, तो अभी बात कर जाते कि गेम बैग होने की, तो गेम बैक होने की केस हम लोग को दो ही रीजन है। एक इनकमिंग कॉल टाइम, जब भी गेम पहले टाइम जब भी इनकमिंग कॉल आए कई तरह डिवाइस के अंदर से हम लोग को देखने को मिलेगा ब्लू कलर की कॉलिंग बटन, और कई तरह डिवाइस के अंदर से हम लोग को ग्रीन कलर की देखने को मिलने वाला है। ओके, तो जिस डिवाइस के अंदर ब्लू कलर की कॉलिंग बटन है उस डिवाइस में 100% गेम बैग हो जाएगा, और जिस डिवाइस के अंदर ग्रीन कलर की है गाइस ग्रीन कलर की कॉलिंग बटन है तो ग्रीन कलर की कॉलिंग बटन है वो रियलमी की, और ब्लू कलर की है वो गूगल की। ओके, तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, देख लीजिए गाइस यहाँ पर से इनेबल बटन पर क्लिक करके इसका अनइंस्टॉल बटन शो कर रहा है। ओके, ये ऑफिशियल नहीं है, गूगल की बटन है, और ऑफिशियल बटन देख लीजिए गाइस यहाँ पर से रियलमी का ऑफिशियल बटन कॉन्टैक्ट बटन ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर से देख लिया। अभी क्या करना है गाइस, मैंने गाइस क्या करा है, इसका जो एंड्रॉइड 10 एंड एंड्रॉइड 9 के गाइस सॉरी एंड्रॉइड 10 एंड एंड्रॉइड 11 के मैंने कॉन्टैक्ट बटन दे रखा है टेलीग्राम चैनल पर, तो जो फ्रेंड टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहेगा उसको ही पता चलेगा गाइस। ओके, तो ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर से देखो फाइल देखने को मिलेगा, फाइल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर से देखो थोड़ा नहीं स्क्रॉल डाउन करके तो एंड्रॉइड 11 के लिए कॉन्टैक्ट बटन देखने को मिलेगा गाइस। ये रियलमी का ऑफिशियल है तो इसको इंस्टॉल करना, पहले डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी इंस्टॉल कर लेना। उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को क्या करना है वो भी बताने वाला हूं। यहाँ पर से एंड्रॉइड 10 की वर्जन देखने को मिलेगा, यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ एंड्रॉइड 10 मेरा जो वर्जन है उस वर्जन यहाँ पर से देखो एंड्रॉइड 10 ये 3.6.15 मेरा भी ये भाषण चल रहा है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के साथ साथ गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग के अंदर चले जाओ। सेटिंग के अंदर आने के साथ साथ गाइस आप लोगों को मोबाइल के सेटिंग के अंदर आने के साथ साथ ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाओ। ऐप मैनेजमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर से डिफॉल्ट ऐप देखने को मिलेगा, ऐप लिस्ट के नीचे डिफॉल्ट ऐप के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर से गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा फोन। ओके, तो फोन के ऊपर क्लिक करना होगा, फोन के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ गाइस आप लोगों ऐसे सिलेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर फोन आपका जो डिफॉल्ट वाला है जो ब्लू कलर की है तो उसको सिलेक्ट होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे क्लिक करके मेरा जो वर्जन मैंने इंस्टॉल करने वाला उसको ऐसे कन्वर्ट कर देना तो हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों बहुत सारे फ्रेंड ऐसा कमेंट करते हैं कि कॉल नहीं जा रहा, तो कॉल जाएगा गाइस ऐसे सेटिंग को सेट कर लेना पहले, उसके बाद कॉल जाएगी। ओके, तो गाइस ये सेटिंग सेट कर लोगे तो गेम बैग होने का चांसेस बहुत ही कम है। ओके, तो डिफॉल्ट से जो सेटिंग दिखा गया उस सेटिंग को देख लेना। और गाइस मैंने और बहुत सारा वीडियो के अंदर बताया था कि इनकमिंग कॉल के लिए गाइस हम लोग को ऑटो आंसर, तो ऑटो आंसर भी काम करेगा, इसको भी काम हो जाएगा। ओके, तो ट्राई करके देखना। तो अभी बात की जाती गाइस वीवो डिवाइस के लिए, बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा है वीवो मोबाइल के अंदर से हम लोग को गेम बैग हो जा रहा है, तो वीवो मोबाइल के अंदर से कुछ सेटिंग दिखाने वाले गेमिंग सेटिंग, तो चलिए गाइस वो भी देख लेते हैं। तो गाइस जब भी आप लोग वीवो मोबाइल यूज़ करते हो तो जितना सारा फ्रेंड वीवो मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हो तो अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिलेगा। ओके, सेटिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा, तो उस सेटिंग के अंदर से गाइस हम लोग को बहुत सारा स्टफ देखने को मिलता है। यहाँ पर से देखो गेम असिस्टेंट के अंदर गाइस हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर से गेम सॉरी बैकग्राउंड कॉल, इसका मतलब गाइस बैकग्राउंड कॉल से हम लोग इनकमिंग कॉल जब भी आया गेम खेलने का टाइम बैकग्राउंड कॉल ऑफ कर सकते हो, इनकमिंग कॉल वगैरह नहीं आएगा। तो गाइस उसके साथ साथ गाइस हम लोग को एक सेटिंग देखने को मिलेगा ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले, तो गाइस यहाँ पर से हो सकता है गाइस ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले गाइस इसको सेटिंग को ऑन करके रखोगे तो कई तरह डिवाइस के अंदर सेटिंग देखने को मिल रहा है लेकिन ज़्यादातर काम नहीं करता। तो गाइस इसके लिए गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखो गाइस आप लोगों को चले जाना होगा मोबाइल के सेटिंग के अंदर, मोबाइल के सेटिंग इसका मतलब कॉलिंग सेटिंग के अंदर, तो ये वीवो मोबाइल के लिए ज़्यादातर काम कर जाएगा। यहाँ पर से गाइस आप लोगों को देख लीजिए मेरा जो कॉलिंग बटन है ये कॉलिंग बटन है, उस इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करने के साथ साथ ऊपर दो डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करो, सेटिंग के अंदर चले जाओ। सेटिंग के अंदर आने के साथ साथ गाइस आप लोगों को देखने को मिल सकता है गाइस ऑटो आंसर, ऑटो आंसर गाइस हो सकता है आप लोगों को सेटिंग के अंदर यहाँ पर से नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर से नहीं मिल रहा है तो मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाओ, मोबाइल के सेटिंग के अंदर आके गाइस ऊपर सर्च कर लेना ऑटो आंसर, यहाँ पर से सर्च करेगा तो ऑटो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर से ऑटो आंसर सर्च कर लेना, ऑटो आंसर सर्च करोगे तो आप लोगों को देखने को यहाँ पर से मिल सकता है। ओके, गाइस हो सकता है ऑटो आंसर की स्मार्ट आंसर जो भी है यहाँ पर से देखने को मिलेगा आप लोगों की, तो 100% गाइस मिलेगा, ढूंढ लेना, थोड़ा ढूंढना चाहिए तो उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो वैसे कॉलिंग का सेटिंग के अंदर आके गाइस कॉलिंग के सेटिंग के अंदर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, जिस जहाँ पर ऑटो आंसर मिलेगा उस ऑटो आंसर को ओपन करना, ऑटो आंसर को ओपन करने के साथ साथ गाइस ऑटो आंसर मस्ट ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि गाइस मेरा पास रियलमी की सॉरी वीवो की डिवाइस नहीं है तो सजेस्ट कर रहा होगा 100% काम करेगा आप लोग, ओके, तो ऑटो आंसर ढूंढ लेना चाहिए, ऑटो आंसर सेटिंग के अंदर से सर्च करके तो मिल जाएगा। ओके,
यहाँ पर से ऑटो आंसर को ओपन कर देना। यहाँ पर से गाइस सिर्फ ब्लूटूथ एंड हेडफोन डिवाइस हम लोग को यूज़ करना है। ब्लूटूथ एंड हेडफोन डिवाइस हम लोग यूज़ करेंगे तो गाइस गेम खेलने का टाइम ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, कॉल बैक वगैरह नहीं आएगा 10 सेकंड के अंदर। जब भी गाइस हेडफोन यूज़ करते हो मिडिल पर एक बटन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस कर दोगे तो कॉल आ जाएगा, कॉल रिसीव हो जाएगा, कॉल काट कर रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से गेम कर सकते हो। ये जो सेटिंग देगा वीवो डिवाइस के लिए ज़्यादातर काम कर जाएगा। ओके तो गाइस आज का वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस मोबाइल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जरूर जल्दी से जल्दी फास्ट कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।